नमस्कार, बहुत स्वागत। सीधे आपको भोपाल लिए चलते हैं। आएंगी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनका सामना करते हुए, उनको पार करते हुए तेजी के साथ विकास के रास्ते पर मध्य प्रदेश अग्रसर हो, ये हमारा प्रयास होगा। माननीय गडकरी जी का भोपाल की इस पवित्र धरती पर अभिनंदन और आभार के साथ मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि माननीय गडकरी जी का आगमन यानी विकास के कार्यों का ऐसा सूत्रपात इतिहास में जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है, और माननीय गडकरी जी हमारे बीच में हैं तो एक बार जरा जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिनंदन और स्वागत करके हम अपने जो विकास कार्यों की सौगात यहाँ पर वो लेकर आए हैं उनके लिए उनको हम कृतज्ञता ज्ञापित करें। मैं अपनी ओर से लोक निर्माण विभाग का मंत्री होने के नाते पुनः आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए ये विश्वास दिलाता हूं कि जो कार्य मध्य प्रदेश को आपके द्वारा सौंपे जाएंगे गुणवत्ता के साथ साथ समय सीमा के भीतर वो पूरे हों, इस पर हमारा जोर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री राकेश सिंह जी, आपने बिल्कुल सही कहा। विकसित भारत की पहचान है राष्ट्रीय राजमार्ग। और अब हम हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी से आग्रह करना चाहेंगे कि वे हम सभी को संबोधित करें। आइए जोरदार तालियों के साथ हम निवेदन करें हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी से उद्बोधन के लिए। आज भोपाल में सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश के हमारे सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में जो लगातार इस क्षेत्र में जो विकास हो रहा है, ऐसे इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय नितिन जी, यहां पर उपस्थित हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय राकेश सिंह जी, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, मुझे तो लगता है लंबी सूची है इसलिए मैं विश्वास सारंग जी, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में विकसित मध्य प्रदेश अब स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने की कल्पना के साथ हम मैदान में उतरे, ऐसे आदरणीय मोहन यादव जी और सभी सम्मानी मंच। आज अभी माननीय नितिन जी ने जबलपुर के अंदर कई सौगातें इस क्षेत्र में आज दी हैं, और आज इस क्षेत्र के अंदर मध्य भारत मालवा के क्षेत्र की आज यहां पर कई सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा आदरणीय नितिन जी के नेतृत्व में आज यहां पर उन तो लगातार इस आयोजन पर भी नजर बनी हुई है। बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। छत्तीसगढ़ में बढ़ सकती है धान खरीदी की तारीख। सीएम विष्णुदेव साय ने इस तरह के संकेत दिए हैं। अभी दरअसल 31 जनवरी धान खरीदी की आखिरी तारीख है। आज सीएम ने तारीख बढ़ाने के संकेत दिए हैं, तो यह माना जा रहा है कि आज शाम तक इस बात का ऐलान किया जा सकता है। रायपुर में लोकसभा चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने इस बात के संकेत दिए। डेढ़ महीना हुआ है सरकार का, और मोदी की गारंटी में जो हमारी पार्टी ने 3.25 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है, संग्राम वर्मा जी बता रहे थे, चाहे 18 लाख प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण क्षेत्र में बनाने का निर्णय लिए हैं, 2 साल का बोनस 3716 करोड़ रुपया 12 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में भेजे हैं, बीएससी घोटाला का जांच सीबीआई को सौंपे हैं, 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत देंगे, और बम्फर धान की खरीदी हम लोगों का लक्ष्य था 1,30,000 मैट्रिक टन, आज की तारीख में 1,24,000 मैट्रिक टन धान खरीद चुके हैं, और अभी कल बाकी है समय, और एक डिमांड आ रहा है, बहुत किसान धान बेच भी नहीं पाए, समय बढ़ाने का आग्रह भी हो रहा है, तो हमको लगता है कि 1,50,000 मैट्रिक टन धान की ऑफर खरीदी इस बार हो जाएगी।
शाम तक कर ले। इधर कांग्रेस ने खरीदी की तारीख बढ़ाने की घोषणा का स्वागत किया है। कांग्रेस के संचार अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस और किसानों की मांग का सरकार पर दबाव था, खरीदी की तारीख बढ़ाने से किसानों को फायदा होगा। निश्चित तौर पे अभी तक लगभग 5.5 लाख से अधिक किसानों ने अपना धान नहीं बेचा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी बार बार मांग कर रही थी कि धान खरीदी की तारीख बढ़ाई जाए। पहले मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया था, अंततः कांग्रेस के दबाव में आके और किसानों के दबाव में आकर उन्होंने तारीख बढ़ाने की घोषणा की है। देर आए दुरुस्त है, हम उसका स्वागत करते हैं। साथ ही हम यह भी मांग करते हैं कि 3134 राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 334A के मुंबई से मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राज्य बॉर्डर खंड का 2 लेन, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 346 के बिछोर से दिनारा खंड का 2 लेन निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 552 विस्तारित पर मुरैना अम्बा एवं कोटा बाईपास का 2 लेन निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 592 विस्तारित के मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा पर श्योपुर गोरस मार्ग का 2 लेन, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 748 बी के ब्यावरा बाईपास के 2 लेन, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 752 सी के सुजानपुर बाईपास के 2 लेन, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 347 सी के अंतर्गत प्रस्तावत सेलानी खरगोन एवं बिस्कुन बाईपास का 2 लेन, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 552 पर अडेर एवं बिंग बाईपास का 2 लेन, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 347 सी के सर्वर देवला से पाल, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 552 विस्तारित से गोरख श्यामपुर मार्ग के 2 लेन, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 552 विस्तारित से श्यामपुर संबलगढ़ मार्ग के 2 लेन और राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 56 के गुजरात राज्य की सीमा दाहोद से अम्बुआ खंड के 2 लेन। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय अतिथिगण। राजा भूपाल शाह सलाम और महाप्रतापी राजा भोजपाल ने समय समय पर जिस भोपाल शहर को बसाया उसकी पहचान बाद में झीलों के शहर के रूप में विकसित हुई, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के प्रयासों के कारण अब इसे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वाले राजमार्गों के लिए जाना जाएगा। मध्य प्रदेश में राजमार्गों के निर्माण का बजट 1.5 लाख करोड़ रुपए सुनिश्चित किया गया है। सड़क निर्माण का कार्य इतनी तेजी से हो रहा है कि 2014 में जहां मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 5184 किलोमीटर थी, वो 2024 में बढ़कर 9300 किलोमीटर हो गई है, अर्थात 10 सालों में राजमार्ग निर्माण दोगुना हो चुका है। इस दौरान 8 लेन सड़कों का निर्माण 244 किलोमीटर, 6 लेन सड़कों का 50 किलोमीटर, 4 लेन सड़कों का निर्माण करीब 4200 किलोमीटर और 2 लेन की 3500 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो चुका है। उसी कड़ी में भोपाल को 498 किलोमीटर लंबी 15 अलग अलग सड़कों की सौगात मिलने जा रही है। 8038 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इन उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों का भूमि पूजन माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के कर कमलों से होने जा रहा है। इन 15 सड़कों में से NH 146B पर बुधनी से शाहगंज बाईपास पर 28 किलोमीटर से भी लंबी 4 लेन रोड का निर्माण 805 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है। विदिशा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सीहोर और रायसेन जिले को जोड़ने वाली ये सड़क मध्य प्रदेश में 3 राजमार्गों NH 47, NH 46 और NH 45 के बीच संपर्क का माध्यम बनेगी। दूसरी तरफ रायसेन जिले में शाहगंज बाईपास एंड से बाड़ी तक 40 किलोमीटर से भी लंबी 4 लेन रोड का निर्माण 784 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। उसी तरह भोपाल जिले में ही NH 46 पर आश्रम तिराहा से NH 146 पर रत्नागिरी तिराहा तक 6 लेन की करीब 16.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण हो रहा है, जिसमें अयोध्या नगर बाईपास पर दोनों तरफ सर्विस लेन बनाने का भी प्रावधान है। इस उच्च गुणवत्ता वाली सड़क के निर्माण में करीब 1235 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। इस स्ट्रेच के तैयार हो जाने से कानपुर से भोपाल आने वाले यात्रियों को जाम से मुक्ति मिलेगी, जिसके कारण भोपाल में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक का यातायात बेहद सुगम हो जाएगा। इन 3 सड़कों के भूमि पूजन के अलावा
पूरे मध्य प्रदेश में उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों पर काम बहुत रफ्तार से चल रहा है। इस दिशा में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार 5,210 करोड़ रुपए की लागत से करीब 413 किलोमीटर लंबाई में अलग अलग सड़कों का निर्माण, पुनर्निर्माण और उनके चौड़ीकरण के काम कर रहा है। इनमें पेव्ड शोल्डर के साथ टू लेन सड़क बनाने का काम NH 552 एक्सटेंशन पर मुरैना अंबा और कोरसा बाईपास, श्योपुर गोरस मार्ग, गोरस श्यामपुर मार्ग और श्यामपुर सबलगढ़ पर चालू होने जा रहा है। इसी तरह NH 347C पर सर्वर देवला से पालतक और कसरावत, सेलानी, खरगोन एवं बिस्तान बाईपास पर सड़क उन्नयन का कार्य भी प्रगति पर है। NH 346 पर पिछोर दिनारा, NH 56 पर दाहोद अम्बुआ और NH 347A पर मुल्ताई से मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा तक टू लेन का सड़क निर्माण कार्य शामिल है। इसके अलावा इंदौर में रिंग रोड बनने जा रहा है तो अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रगति रत कार्य जैसे उज्जैन गरोड़ ग्रीन फील्ड कॉरिडोर, उज्जैन बदनावर मार्ग, इंदौर खंडवा मार्ग, इंदौर से हरदा होते हुए बैतूल मार्ग अपनी समय सीमा के अंतर्गत संपूर्ण होने जा रहे हैं। माननीय मंत्री श्री गडकरी जी और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के प्रयासों से मध्य प्रदेश में जिस तरह मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चल रहा है उससे मध्य प्रदेश नए इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल हब के रूप में विकसित होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री नितिन गडकरी जी आपकी अनूठी सौगातों के लिए और इन राष्ट्रीय राजमार्गों से मध्य प्रदेश के विकास को और रफ्तार मिलेगी। और अब हम वर्चुअली जुड़ने जा रहे हैं माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से, आग्रह करते हैं उद्बोधन के लिए। निवेदन माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से उद्बोधन के लिए। आज के इस शुभ अवसर पर हम सबके मध्य उपस्थित भारत सरकार के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री और हम लोगों के मार्गदर्शक माननीय श्री नितिन गडकरी जी, हमारे मध्य प्रदेश राज्य के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, राज्य सरकार के लोक निर्माण मंत्री माननीय श्री राकेश सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और उपस्थित सभी मित्रों, आज मध्य प्रदेश के लिए निश्चित रूप से सौभाग्य का क्षण है जब माननीय नितिन गडकरी जी की उपस्थिति हम सबके मध्य है। और हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि संपूर्ण देश में सड़क के मामले में देश की तस्वीर बदलने का अगर श्रेय किसी एक व्यक्ति को दिया जा सकता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नितिन गडकरी जी को दिया जा सकता है। आज पूरे देश में विश्व स्तरीय सड़क का अधोसंरचना जो विकसित हुई है उसकी जितनी तारीफ की जाए मैं समझता हूं कमी है। हमें एक सड़क मिलती है तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है, लेकिन नितिन जी ने सिर्फ एक सड़क नहीं दी, देश को चारों कोनों से जोड़ने का काम, चारों धाम को जोड़ने का काम, बड़ी बड़ी टनल बनाने का काम जो किया है उससे निश्चित रूप से देश की ताकत बढ़ी है। हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि 2047 में विकसित भारत बने और इसके लिए जो यात्रा चल रही है उस यात्रा को आगे बढ़ाने में माननीय नितिन गडकरी जी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने अभी अभी काम प्रारंभ किया है,
वो बहुत लोकप्रिय है, यशस्वी है, कर्मठ है, संघर्षशील है और उनका दृष्टिकोण भी बड़ा व्यापक है और लगातार कम दिनों में उन्होंने कोशिश की है कि मध्य प्रदेश को एक नई दिशा दी जाए और मुझे पूरा विश्वास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे कल्चर एक्टिविटीज का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, हर क्षेत्र में मोहन यादव जी की सरकार आगे कदम बढ़ा रही है। आज का यह कार्यक्रम लोक निर्माण मंत्रालय का है, राकेश सिंह जी के हाथों में मैं हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो भी ठीक प्रकार से अपना दायित्व निभाने में सफल होंगे। मैं पुनः इस मौके पर माननीय नितिन गडकरी जी का और मोहन यादव जी का आज पूरे मध्य प्रदेश में जो 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात मिली है उसके लिए बहुत अभिनंदन करता हूं और विशेष रूप से हमारा ग्वालियर अंचल जिसमें श्योपुर से गोरस, गोरस से श्यामपुर, मुरैना अम्बा पोरसा बाईपास, श्यामपुर से सबलगढ़ मार्ग और भिंड अटेर बाईपास मार्ग, इन पर भी जो लंबे समय से प्रयास चल रहा था इनको स्वीकृत करके आज शिलान्यास हो रहा है। मैं अपने दोनों नेताओं का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और इस क्षेत्र की जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी आपके उद्बोधन के लिए। और ये हमारे लिए शुभ अवसर है कि आज वर्चुअली हमसे जुड़े हैं माननीय नागरिक विमानन एवं इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। आपसे आग्रह है संबोधन के लिए। आज हमारे मध्य प्रदेश में उपस्थित मध्य प्रदेश के केवल नहीं लेकिन पूरे देश में हमारे प्रसिद्ध और सभी के दिलों पर स्थान पाने वाले हमारे भूतल पर्यावरण मंत्रालय के नेतृत्व करते हुए हमारे नितिन गडकरी साहब, हमारे प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय एवं कर्मठ और एक नया दिशा दिखाने वाले हमारे मुख्यमंत्री महोदय, जिनका एक अपनापन और एक आत्मीयता का लगाव स्वतः मेरा है, हमारे अपने मोहन यादव जी मंच पर आसीन